सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मेरी आँख थोड़ा सा लेट खुली है, तो अभी जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं और आज शिखा बना रही है सुबह की चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, शिखा भी उठ गई थी आज और मैंने इसको बोला कि यार तू ही चाय बना दे, तो सुबह सुबह अपना ये वाला काम तो बच गया। अभी इतना मैंने किया फ्रेशन अप और चाय हो गई रेडी। तो चाय की चुस्कियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला स्लॉट। कल रात का जो मेरा स्लॉट था वो पॉलिटी का था, जिसमें मैंने पार्लियामेंट के चैप्टर के साथ एंड किया था। एंड जैसे जैसे एग्जाम गाइस पास आता जा रहा है ना, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि एक सब्जेक्ट करने में पूरा दिन निकल जाता है, और मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। पॉलिटी मैंने किया तो करंट अफेयर के लिए टाइम नहीं निकल रहा, करंट अफेयर किया तो सी सेट के लिए टाइम नहीं निकल रहा, ऐसी कुछ सिचुएशन अभी हो रही है। इट्स अ कॉमन एंड जनरल प्रॉब्लम, बट हम यही सोचते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और उसी के चक्कर में हम अपनी एफिशिएंसी को कर लेते हैं खराब। तो मैंने तो इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि 4-4 घंटे के 3 स्लॉट मुझे बनाने हैं, जिसमें एक में सी सेट, एक में जीएस का कोई भी टॉपिक और एक में करंट अफेयर करना है। चलिए अभी अपना पहला स्लॉट को फिनिश करते हैं, जिसमें मुझे अपनी करंट अफेयर को फिनिश करना है। सो गाइस, सेकंड स्लॉट मैंने स्टार्ट किया 2 घंटे के बाद, मतलब मैंने 2 घंटे करंट अफेयर किया। एंड 2 घंटे करंट अफेयर करने के बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। तो जब भी ऐसा हो चीज़ें समझ ना, या तो आप थोड़ा देर का ब्रेक ले लो या आप अपना दूसरे टॉपिक का या सब्जेक्ट का रिविजन कर लो। सो ऐसे ही मैंने किया, मैंने अपने पॉलिटी का रिविजन को किया स्टार्ट। तो अभी इसको एक यार 1.5 घंटे में मेरे को ख़त्म करना है, पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जल्दी से उनको फिनिश करते हैं। एंड यस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इन्जॉय कीजिए तक स्लॉट को। एंड गाइज, अभी क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो मेरी वीडियोस जो हैं थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड एंड स्टडी ओरिएंटेड ही रहेंगी, फन वगैरह भी नहीं करते, वो बाद में करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बट अभी चलो पहले पढ़ाई पूरी करते हैं। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी स्टडी व्लॉग को लाइव चला के रख सकते हैं, आप मेरा वाला भी चला के रख सकते हैं। अगर आपको मुझसे मोटिवेशन मिलती है, सामने आप चला के रख लो, लूप पे लगा लो, वीडियो बार बार चलता रहेगा एंड सामने आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो आपको अच्छा फील होगा। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मेथड हो सकता है अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। सो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन आ रही है, यू कैन गो विद दिस मेथड, लूप पे चला लेना ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप बिना फ़ोन के पढ़ाई कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर आप फ़ोन से दूर ही रहो। अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ सामने कोई बैठ के पढ़ रहा हो तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं, सो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो, वीडियो खोल लेना एंड उसको लूप पे चला लेना। इस तरीके से हम लोग साथ में स्टडी कर सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, यू कैन ट्राई दिस वंस। एंड मैंने ये नहीं बोला है कि आप मेरी ही देखो, अगर जिससे भी मोटिवेशन मिलता हो उसकी वीडियो को सामने उठा के रख लो एंड उसके साथ पढ़ाई करो। एंड गाइज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इस बार आपका अटेम्प्ट है एंड आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ या और किसी वजह के चलते, तो नो मोर वेट। अब आपको PW ओनली एस दे रहा है, ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक 2024, जो कि GS प्लस CSET दोनों का होने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। एंड ये वाला मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री, आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। डेट है, याद कर लेना, 5 May and 2 June। अगर आपने नहीं दिया है तो जरूर देना, अगर आपको ऑफलाइन मॉक देना है तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर में जाके भी दे सकते हैं। एंड अगर वहीं आप टारगेट करें 2026 को, सो आप अपनी फाउंडेशन बैचेस ले सकते हैं 11,999 में, पर आपको टारगेट या 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन प्योर इंग्लिश में। UPSC ऑप्शनल 2024 and 2025 अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 8,999 में मिल जाएगा। इसके लाइव क्लासेस से आप अपने ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें कॉम्बो बैचेस की, तो फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है साथ में तो वो भी आप ले सकते हैं। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में, प्रहार प्लस ऑप्शनल 16,499 में और टाइटन भी सेम प्राइस में। एंड यस, मॉक टेस्ट देना मत भूलना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ इन फ्री। ऑलराइट, सो अभी मुझे स्टार्ट करना अपना नेक्स्ट स्लॉट, जिसमें मुझे करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पिछले साल भी इससे क्वेश्चंस आए थे। हियर इज अ ट्रिक, मेरे को स्क्रॉल करते करते मिल गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, फाइनेंस, UG, एंड पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था क्योंकि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था जिसने क्या किया था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरे को कमेंट करके बता देना।
तो चलिए गाइस, 2-3 घंटे के लिए अपना बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और जब भी आप स्लॉट चेंज करते हो ना, मतलब 2 घंटे अगर आप पढ़ लियो, फिर से दूसरा घंटा आप जा रहे हो पढ़ने, तो बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लो एंड देन फ्रेश होके बैठो। आई नो मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, बट हम कुछ चीज़ें पता होने के बाद भी नहीं करते हैं। तो चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये स्लॉट। सो गाइज, अपना ये वाला स्लॉट हो गया फिनिश कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, एंड मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब मुझे थोड़ी देर का ब्रेक लेना पड़ेगा, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका टास्क नहीं हो रहा है ना पूरा, तो अलार्म लगाओ 1 घंटे का और पढ़ाई करो, फिर लगाओ फिर पढ़ो। सो यस, इस तरीके से आप जो डिस्ट्रेक्शन होती है उसको हटा सकते हैं। अभी मुझे भी हो रही थी तो मैंने क्या किया, 1 घंटे का स्लॉट लगाया। या आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने तो मतलब इतनी देर से हो गई है मुझे पढ़ाई करते हुए, बट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सो ऐसे ही ना 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है, पूरा दिन लग जा रहा है एक ही चीज़ को करने में। तो उसके लिए आप ना जो है अलार्म लगाओ कि 1 घंटे में मुझे इतना फिनिश करना है। जैसे ही अलार्म बजेगा उससे पहले आपको ट्राई करोगे आप खुद ही कि आपका अगर कंप्लीट 100% भी नहीं हो पा रहा है ना, तो एटलीस्ट 85-90% हो जाएगा। आप ये करके देखना ट्राई, आपको अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई थिंक आपकी आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं जो कि काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी। एंड या बस इतना ही, अभी मुझे ये करना है। और अभी मुझे एक CZ का स्लॉट भी करना है यार, तो उसके लिए तो आई डोंट थिंक कि वो शूट हो पाएगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है, पहले मैं ये फिनिश कर लूँ जल्दी जल्दी। सो गाइज, अभी मैंने लिया है अपना लंच के लिए ब्रेक। वैसे तो लंच टाइम काफ़ी टाइम पहले जा चुका है, बट मैंने भूख को थोड़ा सा कंट्रोल किया था, क्योंकि खाना खा के ना उतने जल्दी आराम से बैठा नहीं जाता। अब 2 घंटे लगेंगे मेरे को आराम से बैठने में, तो अभी पानी वानी लेके बैठ जाते हैं दोबारा से स्लॉट करने। मैंने बीच में 2 घंटे का ब्रेक लिया है, अब CZ करेंगे। अब आपसे सीधा लेने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे फ़ोन से ही CZ की क्लास करनी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओनली इफ यू लाइक। बाय बाय।